ओके सो हम ये डिस्कस करते हैं कि सिंपल लाइट रिफ्लेक्स टेस्ट हमें इंटीग्रिटी बता रहे हैं कि पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स पाथवे की इंटीग्रिटी क्या है। अच्छा, कैसे आप ये सब चीज परफॉर्म करेंगे? तो जरा देखिए, आपने एक लाइट सोर्स जो है वो यूज करना है और पेशेंट को जो है एक डिस्टिंक्ट टारगेट देना है। व्हाई यू आर गिविंग द डिस्टिंक्ट टारगेट टू द पेशेंट? शाबाश, आप पेशेंट क्यों कहते हैं आप सीधा देख रहे, दूर देख रहे, डिस्टेंट टारगेट आप दे रहे। इसलिए आप देख रहे हैं कि जब पेशेंट डिस्टेंट टारगेट को फिक्सेट कर रहे हैं तो डिस्टेंट टारगेट के लिए आई क्यू एकोमोडेशन यूज नहीं कर रहा। सो आप याद रखें, ये गलती कभी नहीं करना कि आप बिल्कुल ड्यूरिंग लाइट रिफ्लेक्स टेस्ट बिल्कुल पेशेंट के सामने आ जाए। जब आप पेशेंट के सामने आएंगे, पेशेंट जब आपकी तरफ देखेगा तो वो नियर में एकोमोडेशन करेगा, तो हो सकता है कि नियर की एकोमोडेशन के लिए जो वो पीपल डायलेट कर रहे और आप उसको मिस कंसिडर करेंगे कि ये लाइट को रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, क्योंकि नियर रिफ्लेक्स हम कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे कि नियर रिफ्लेक्स के लिए पाथवे अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है, सेंटर उसके लिए अलग है और लाइट के लिए सेंटर अलग है। ठीक है, सो फर्स्ट आप चेक करेंगे लाइट रिफ्लेक्स को, उसके लिए चाहे कि आप पेशेंट को डिस्टेंट टारगेट दे दें, और जब पेशेंट को आप डिस्टेंट टारगेट करें सो आपकी मर्जी, आप राइट साइड से स्टार्ट करते, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते, लेकिन यूजुअली जब हम क्लिनिक में कर रहे हैं तो हम राइट ही साइड से स्टार्ट करते हैं। पेशेंट के राइट साइड पे आप खड़े हो जाए, पेशेंट दूर देख रहे हैं, आपने लाइट जस्ट उसकी आई की तरफ जो है वो दिखाना है, उस पर लाइट जो है वो शाइन शाइन करना है ऑन द राइट आई। ठीक है, और फिर लेफ्ट साइड से जो है आपने लेफ्ट साइड से करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट एज द पीपल एकोमोडेट टू फोकस ऑन यू। ये तो पहले भी बताया था, पेशेंट के सामने ही खड़े नहीं होना चाहिए। इस तरह से ड्यूरिंग एग्जामिनेशन में, वाइवा में एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि आप लाइट रिफ्लेक्स चेक करें और आप बिल्कुल पेशेंट के सामने आकर लाइट कर रहे, तो बस इसका मतलब है आप गलती कर रहे हैं। सबसे पहले डिस्टेंट टारगेट देना है कि पेशेंट अपने एकोमोडेशन रिलैक्स करे और आपको प्योर रिस्पॉन्स मिल जाए लाइट का। ठीक है, दूसरी बात कि लाइट जो है दिस इज नॉन एकोमोडेटिव टारगेट। लाइट जो है इसके में पेशेंट लाइट को अगर देखेगा भी तो लाइट के लिए वो कोई एकोमोडेशन नहीं कर देगा, बिकॉज उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कोई टारगेट नहीं है, को उस पेशेंट कैसे उसको फिक्सेट करेगा। ठीक है, सो लाइट जो है दिस इज अ नॉन एकोमोडेटिव टारगेट। सो आप सिर्फ लाइट यूज करेंगे, आराम से राइट साइड पे खड़े होकर लाइट आपने यहाँ से ऑन करना है और राइट आई चेक कर, या फिर लेफ्ट साइड से आप लेफ्ट साइड वाले भी चेक कर सकते हैं। सो नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होगा? आप साइड पे खड़े हैं, आपने लाइट राइट आई पे फॉल किया, फिर जो है आप लेफ्ट साइड से लेफ्ट आई पे करना है। सो सबसे पहले रिस्पॉन्स क्या होगा? नॉर्मल रिस्पॉन्स यह है, देयर शुड बी अ ब्रिस्क सिमल्टेनियस इक्वल रिस्पॉन्स ऑफ द बोथ पीपल इन रिस्पॉन्स टू लाइट शोन इन वन और द अदर आई। सिंपल, आपने किसी भी आई पे लाइट जो फॉल किया हुआ है, इसके रिजल्ट में होना यह चाहे कि आपके दोनों पीपल एट अ टाइम सिमल्टेनियसली इक्वल रिस्पॉन्स आपको मिलनी चाहिए। इक्वल रिस्पॉन्स मीन कि दोनों इक्वल अमाउंट में कंस्ट्रक्शन उसमें आना चाहिए, एट अ टाइम आना चाहिए। आप किसी भी आई पे लाइट फॉल करते, राइट आई पे आपने लाइट फॉल किया तो राइट पीपल शुड बी कंस्ट्रक्ट एज वेल एज लेफ्ट पीपल शुड बी कंस्ट्रक्ट। फिर आपने लेफ्ट आई पे लाइट जो है वो फॉल किया तो लेफ्ट पीपल कंस्ट्रक्ट एज वेल एज राइट पीपल विल बी कंस्ट्रक्ट एट द सेम टाइम सिमल्टेनियसली एंड इक्वल अमाउंट का रिस्पॉन्स और ब्रेस्ट क्विकली रिस्पॉन्स होने चाहिए दोनों आई में। सो हम कहेंगे कि लाइट रिफ्लेक्स जो है वो ठीक है दोनों आई में। अगर इसमें से किसी भी में मसला है, दैट मीन के पिपिलरी लाइट पाथवे में कोई की जगह पे बना, मीडिया हम कुछ देर बाद उसमें डिस्कस करेंगे कैसे हमें पता चलेगा। अच्छा, ये कंसेप्ट तो क्लियर है ना कि वाई हम एक आई पे लाइट को फॉल करता है और दोनों पीपल एट अ टाइम कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। ये कंसेप्ट तो सबके पास है ना, क्या सर? कैसे हम जान, कैसे हम वाई दिस हैपन, जी सर, क्यों हम एक लाइट पे, एक आई पे लाइट फॉल करते, दोनों क्यों कंस्ट्रक्ट हो रहे साथ में? सर जब हम एक साइड पर लाइट फाइल करते हैं ना, तो डायरेक्ट करते हैं ना, डायरेक्ट टेस्ट करते हैं हमें, और वो जाते हैं पीछे वहाँ पे जो न्यूक्लियस है ना, उसको वो करते हैं, सिमुलेट करते हैं, जो प्रोटेक्टेड न्यूक्लियस है वो साइड को, वो डिंगर स्पाल को स्टिमुलेट करते हैं, तो दूसरी एक्चुअली साइड से भी जब वो। आप एक लाइट से, एक आई से भी लाइट फॉल करें तो मिड बैन में ऑलरेडी उसकी क्या हो रही है, क्रॉसिंग हो रही है। क्या आपने एक साइड से प्रोटेक्टर स्टिमुलेट किया तो वो दोनों एडिंगर विस्पाल को स्टिमुलेट करते हैं। लेकिन इसके अलावा क्या आपको याद है कि आपकी क्याज्मा में भी डिकसेशन हुई है? एक आई के जो फाइबर है उसकी नेजल फाइबर दूसरी ऑप्टिक ट्रैक में शामिल होते हैं, ऑप्टिक क्याज्मा में। ठीक है,
सो कुछ फाइबर तो ऑलरेडी सिग्नल उस साइड से भी कैरी करता है, सेम साइड से भी कैरी करता है. सो दिस इज अ टू रीजन, वन इज ऑप्टिक क्यास्मा क्रॉसिंग, अदर इज सेंट्रल कनेक्शन. लेकिन मैंने आपको क्लास में ये भी बताया था कि अगर आप बिल्कुल एक ऐसे फोकल लाइट यूज करें कि आप ओनली राइट आई की ओनली टेम्पोरल रेटिना अगर आप स्टिमुलेट करें और नेजल रेटिना को बिल्कुल स्टिमुलेट ना करें, क्योंकि नेजल फाइबर तो क्रॉसिंग करे ऑप्टिक क्यास्मा में, उसके बावजूद भी दोनों पीपल कंस्ट्रक्ट होगा. बिकॉज अगर सिर्फ टेम्पोरल साइड से भी मैसेज मिड ब्रेन तक चला गया है तो ऑन द राइट साइड जो प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है वो ऑटोमेटिकली दोनों डिंगर को स्टिमुलेट करेगा. सो दिस इज अ सेंट्रल कनेक्शन. सो ये इनटेक होना चाहिए, जब जब तक ये कनेक्शन ठीक है तो ऐसा रिस्पॉन्स ही आपको मिलेगा. यू नो ऑल दिस थिंग इन डिटेल. ठीक है. अच्छा अब हम देखते हैं कि वो पैरासिम्पेटिक पाथवे जो है, जो कि वहां से स्टार्ट था, हम मिड ब्रेन से स्टार्ट करते हैं और आगे की तरफ आ रहे हैं. ठीक है. या सबसे पहले रेटिना से स्टार्ट करेंगे वहां तक और फिर वापस आ रहे, एक सर्कल बनाते हैं ना, पैरासिम्पेटिक पाथवे मीन पिपुलरी पाथवे. सो स्टार्ट कहाँ से होता है? फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो रेटिना से प्रीटेक्टल न्यूक्लियस तक जाएगा, जो कि मिड ब्रेन में मौजूद है, या ब्रेन स्टेम आल्सो मिड ब्रेन आ रहा ना, मिड ब्रेन पोन्स एंड मेडुला कलेक्टिवली कॉल्ड ब्रेन स्टेम. तो पार्टिकुलरली आप कहेंगे ब्रेन स्टेम में जा रहे हैं, और ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन में भी मैंने आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन बताया था कि एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कलिकुलस. अब तो आप सुपीरियर कलिकुलस भी जाने होंगे और इन्फीरियर कलिकुलस भी जाने, यू नो दिस थिंग ना, कि मैंने आपको कहा मिड ब्रेन देखें तो उसके मिड ब्रेन के बिहाइंड आप देखेंगे तो आपको स्वेलिंग नजर आएगा, टू सुपीरियर स्वेलिंग टू इन्फीरियर स्वेलिंग. जो ऊपर वाला है जैसे सुपीरियर कलिकुलस, सुपीरियर कलिकुलाई और इन्फीरियर कलिकुलाई, उस लेवल से आपका टर्नर भी अराइज है, जो हमने काफी डिटेल्स डिस्कशन किया था क्लास में. बस सिंप्लीफाई करें कि रेटिना से फाइबर जाएगा प्रीटेक्टल तक, ये बात तो क्लियर है ना. लेकिन रेटिना में कौन से स्ट्रक्चर से ये फाइबर स्टार्ट हो रहा है? शाबाश, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हम कहते हैं कि रेटिना से स्टार्ट होगा प्रीटेक्टल तक जाएगा, तो रेटिना में कौन सी स्ट्रक्चर से? गैंग्लियन सेल से पार्टिकुलरली. ठीक है, तो वो गैंग्लियन सेल से, जो गैंग्लियन सेल का एग्जाम है वो चला जाएगा प्रीटेक्टल न्यूक्लियस, जो मिड ब्रेन है वहां पे खत्म होगा. ठीक है, और फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या करता है? प्रीटेक्टल से मैसेज जाकर दोनों एडिंगर वेस्पाल को स्टिमुलेट करते हैं. ब्रेकेट में लिखे है बायलेटरल इनर्वेशन, कि एक प्रीटेक्टल दोनों को स्टिमुलेट करेगा, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं. और फिर थर्ड ऑर्डर क्या करता है? कि वो एडिंगर वेस्पाल से सिलरी गैंग्लियन तक आएगा, यस, इन द फॉर्म ऑफ प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पेथेटिक फाइबर. और फिर सिलरी गैंग्लियन से स्पेंट्रल पिपुला तक जाएगा शॉर्ट सिलरी नर्व के जरिए से, जो कि यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ से रेटिना से फाइबर चले गए हैं यहाँ तक प्रीटेक्टल, और एक प्रीटेक्टल जो है वो दोनों एडिंगर वेस्पाल को स्टिमुलेट किया, और फिर एडिंगर वेस्पाल से फाइबर आ रहे इन द किस के साथ? थर्ड नर्व के साथ आ रहे, और इन्फीरियर ओब्लिक के लिए जो फाइबर जा रहे थे काफी डिटेल्स हमने डिस्कशन किया था, और सिंपल प्रीटेक्टल से फाइबर आ रहे सिलरी गैंग्लियन में, और सिलरी गैंग्लियन से फिर यहाँ पे एंटर होकर चले जाते हैं. ये सिंपथेटिक पाथवे है, हम कुछ देर बाद में डिस्कस करेंगे. फिर यही क्वेश्चन जो अब मैंने आपसे पूछा कि वाई कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स. देखिए, जिस आई पे आप लाइट फॉल कर रहे उसमें आपको रिस्पांस मिल रहा है, इट मीन दिस इज डायरेक्ट रिस्पांस, डायरेक्ट लाइट रिस्पांस. लेकिन आप राइट आई पे लाइट फॉल कर रहे हो, आपके साथ लेफ्ट आई जो है उसमें कंस्ट्रक्शन हो रही है, सो यहाँ पे हम कहते हैं दिस इज कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स. फिर आप क्या कर रहे हैं? आप लेफ्ट आई पे लाइट को फॉल करते हो और लेफ्ट आई में आपको कंस्ट्रक्शन मिल रहे, तो इट मीन कि आपको डायरेक्ट रिस्पांस ठीक है. अगर साथ साथ में आपकी राइट आई में भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, पीपल में कंस्ट्रक्शन हो रही है, दैट मीन कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स इज आल्सो प्रेजेंट. तो डायरेक्ट एंड कंसेंशुअल, जिस आई को आप चेक कर रहे हो उस आई में कोई रिस्पॉन्स मिले, दिस इज डायरेक्ट रिस्पॉन्स, डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स. और दूसरे आई में साथ में कंस्ट्रक्शन जो हो रही है उसमें जो आपको रिस्पॉन्स मिल रहे, दिस इज कॉल्ड कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स. ठीक है, तो लिखा है कि वाई देयर इज कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स. तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि लाइट रिफ्लेक्स इज मीडिएटेड बाय रेटिना फोटोरिसेप्टर एंड सब्सर्वड बाय फोर न्यूरॉन. वो फोर न्यूरॉन इसके पहले हमने जिक्र किया था. लेकिन सेकंड जो इंटरन्यूशियल न्यूरॉन है, इंटरन्यूशियल न्यूरॉन क्या करता है कि वो प्रीटेक्टल न्यूक्लियस को कनेक्ट करता है बोथ एडिंगर वेस्पाल से, एंड दिस इज द रीजन कि आप यूनिकुलर लाइट स्टिमुलस जो है वो बायलेटरल एंड सिमेट्रिकल पीपल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कि एक एडिंगर वेस्पाल जो है, एक प्रोटेक्टल न्यूक्लियस जो है वो दोनों एडिंगर वेस्पाल के साथ कनेक्टेड है. किसके जरिए कनेक्टेड है? जो स्पेशली सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन था, या सेकंड इंटरन्यूशियल न्यूरॉन जिसको हम कहते हैं, ये जो इंटरन्यूशियल न्यूरॉन है
क्योंकि प्रीटेक्टल से आ रहे एडिंगल विस्फाल को स्टिमुलेट करता है, ये रिस्पॉन्सिबल है पार्किंसंसुअल लाइट रिफ्लेक्स। सिंपैथेटिक पाथवे, मैं यहाँ पे क्विकली सिंपैथेटिक पाथवे को बता मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंपैथेटिक पाथवे ऑफ द आई, इस पे मैंने सेपरेट पूरा वीडियो डिटेल से वीडियो मैंने बनाए हैं, वो आप इस क्लास के बाद मैं आपके साथ वो जरूर शेयर करूंगा सिंपैथेटिक पाथवे टू द आई बाल, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। अगर आपको सही तरीके से अंडरस्टैंड करना है पीपल के पैथोलॉजी को तो आपको वो पाथवे याद होने चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग पाथवे वो भी है क्योंकि वो ब्रेन से स्टार्ट है, हाइपोथैलेमस से स्टार्ट है, आई तक आ रहे और डिफरेंट रास्तों से वो पास हो रहे आई की तरफ आ रहे। तो देखेंगे कि आपके हाइपोथैलेमस जो है जो डाइन से प्लान में मौजूद है मिड ब्रेन के ऊपर, वहां पे स्ट्रक्चर है, वहां से लेकर वो मिड ब्रेन से पास होकर नीचे मेडुला पोन्स इन एरिया से पास होकर आपकी जो स्पेशली वो लेवल है C8 और T2 लेवल है वहां तक आ रहे, और फिर वहां से वो एपिक्स ऑफ द लंग्स से और सम क्लोज रिलेशनशिप विद सबक्लेवियन आर्टरी, और फिर वो आपके नेक एरिया में, फिर नेक से दोबारा जो है वो ब्रेन स्टेम ब्रेन में चला जाता है, वहां पे कैवर्नस साइनस से पास होकर फिर आपकी आईबाल की तरफ आ रहे। तो सम लेंथी पाथवे, सम लॉन्ग पाथवे। तो किसी भी एरिया में डैमेज, नेक में डैमेज हो गया, आई में प्रॉब्लम होगा, आई का सिंपैथेटिक सप्लाई लॉस होगा, ब्रेन स्टेम में प्रॉब्लम, आई का सिंपैथेटिक सप्लाई लॉस होगा, लंग्स के कैंसर लाइक पेनकॉस्टिक ट्यूमर है, आई का सिंपैथेटिक सप्लाई लॉस होगा, नेक में प्रॉब्लम है, ब्रेन में प्रॉब्लम है, कैवर्नस साइनस में प्रॉब्लम है, ऑर्बिट। सो दिस इज लॉट ऑफ लिस्ट जो है उस कॉजेज है सिंपैथेटिक पाथवे का, इसलिए उसकी कॉजेज बहुत ज्यादा है क्योंकि ये डिफरेंट लोकेशन से ये पास हो चुका है, किसी भी जगह पे उसको डैमेज आ सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सही अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको वो वीडियो देखना जरूर पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्टकट आपको बताऊंगा कि स्टार्ट जो हो रहा है सिंपैथेटिक सप्लाई। अब जब हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस में डिफरेंट न्यूक्लियाई, इंटीरियर हाइपोथैलेमस न्यूक्लियाई, पोस्टीरियर और बहुत ज्यादा चीजें हैं, लैटरल भी है, लेकिन जो स्पेशली सब न्यूक्लियाई हाइपोथैलेमस में, फिर सब छोटे छोटे न्यूक्लियाई है, उसमें जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है, पोस्टीरियर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस, वहां से एक फाइबर जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, वहां से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हो रहे हैं, और वहां से स्टार्ट होगा तो देखिए वो फिर मिड ब्रेन से पोन्स और मेडुला से और स्पाइनल कॉर्ड में नीचे आएगा। कहां तक आएगा? इस लेवल तक आएगा, C8 और T2, जबकि स्पाइनल लेवल जो है C8 और T2 तक, वहां पे ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन खत्म हो जाएगा, और जहां पे ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन खत्म होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, उस एरिया का नाम है सीलू स्पाइनल सेंटर ऑफ वज। जैसे सीलू स्पाइनल सेंटर सिंपल गए या सीलू स्पाइनल सेंटर ऑफ वज आप कहेंगे, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन था जो कि हाइपोथैलेमस से मिड ब्रेन और पोन्स मेडुला से नीचे यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे ओनली आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, वहां पे वो खत्म हो गया, ठीक है। वो लिखता है अनक्रॉस इन द ब्रेन स्टेम, अनक्रॉस इन द ब्रेन स्टेम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस राइट साइड के हाइपोथैलेमस से स्टार्ट, राइट साइड द मिड ब्रेन और सब इधर आ रहे। सो इट मीन के कोई भी ब्रेन स्टेम में अगर राइट साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम में कोई भी मसला आ गया तो आपका ये आई जो है राइट साइड वाला, ये साइड का सिंपैथेटिक सप्लाई ही लॉस होगा, इसमें कोई क्रॉसिंग नहीं है, अनक्रॉस इन द ब्रेन स्टेम, ओके, ठीक। फिर क्या करता है कि उसी सीलू स्पाइनल सेंटर ऑफ वज से जो है सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन तक फाइबर, देखिए वो नहीं, आप देखेंगे कि C8 और T2 से फाइबर जो है वो नेक में आना है, और नेक में जो आपके कॉमन कैरोटिड आर्टरी है जहां उसकी बाइफरकेशन हुई, एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो आपके बाहर फेस वगैरह इसकी सप्लाई करता है, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो किनाल और इंटरनल कैरोटिड किनाल से एंटर होगा आपकी ब्रेन की तरफ चला जाएगा, क्रैनियल कैविटी की तरफ चला जाएगा। सो यहां तक उसकी बाइफरकेशन जो है, जब उसमें कॉमन कैरोटिड आर्टरी दो पार्ट में, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो चुका है, उस बाइफरकेशन के लेवल पे आपका दूसरा गैंग्लियन है, इसका नाम है सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन। सो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या करेगा, वो इसी सीलू स्पाइनल बज सेंटर से मैसेज जो है वो कैरी करेगा और उसको ले लेगा सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन से। सो ये कैसे पास होगा कि ये एपिक्स ऑफ द लंग इससे पास होगा, इधर ही आएगा। सो लंग के साथ भी इसका बहुत क्लोज एसोसिएशन है। और फिर इसके बाद जो है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन क्या करेगा, जाहिर बात है फिर सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन से जो है वो पास होगा उस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ, वो जाएगा कैरोटिड सॉरी कैवर्नस साइनस में, और फिर कैवर्नस साइनस में जो आगे आपकी स्पेशली ट्राइजेमिनल नर्व के जो एक ब्रांच है जिसका नाम है नेजोसिलरी नर्व, उस नेजोसिलरी नर्व के साथ मिलकर आपकी ऑर्बिट में आएगा, और ऑर्बिट में बस सिंप्लीफाई करके कि इस नेजोसिलरी नर्व के जरिए से आ रहे, और फिर वहां नेजोसिलरी का एक ब्रांच है जिसका नाम है लॉन्ग सिलरी नर्व, तो वो लॉन्ग सिलरी नर्व जो है
वो आई को क्या करेगा, सिंपैथेटिक सप्लाई प्रोवाइड कर। देखिए शॉर्ट सिलेरी नर्व उसने पैरासिंपैथेटिक सप्लाई प्रोवाइड किया था, देखिए लॉन्ग सिलेरी नर्व जो है उसने सिंपैथेटिक सप्लाई जो है वो प्रोवाइड किया था। शॉर्ट सिलेरी नर्व जो है वो सिलेरी गैंग्लियन से अराइज था, लॉन्ग सिलेरी नर्व जो है वो नेजो सिलेरी का ब्रांच है, जबकि नेजो सिलेरी जो है वो V1 डिवीजन का ब्रांच है, ऑप्थाल्मिक डिवीजन का एक ब्रांच है। सो समराइज करें सिंपैथेटिक बात है, हाइपोथैलेमस से स्टार्ट नीचे C8 से T2 लेवल सीरो स्पाइनल सेंटर ऑफ बच वहां पे आ गया फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, फिर वहां से सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, और सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से वो ब्रेन में आई की तरफ आ गया वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। सो यही बात हम करेंगे लेटर ऑन कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में अगर कोई ब्रेन स्टेम में मसला आ गया तो आपके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो इफेक्टेड होंगे। अगर स्पेशली मैं जो मैंने आपकी एग्जांपल लंग्स का दिया ना, तो आप मुझे बताया कि लंग्स से कैंसर आया है, जैसे मैंने पैनक्रियास ट्यूमर का एग्जांपल दिया, या चेस्ट वॉल में कोई मसला है, या अगर आप वहां पे सर्जरी कर रहे हैं तो चेस्ट सर्जरी कर रहे कोई भी, तो उसमें कौन सी ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। अगर आप यहाँ पे नेक एरिया पे कोई सर्जरी करना चाहते हो तो यूजुअली यू आर डैमेजिंग टू द थर्ड ऑर्डर स्पेशली सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, ठीक है, लेकिन ऑर्बिट में अगर कोई कॉज है उसकी या ब्रेन में है तो वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन उसमें इन्वॉल्व होगा। तो दिस इज द ब्रीफली मैंने आपके साथ शेयर किया कि आई की सिंपैथेटिक पाथवे क्या है, ठीक है, ये वो बात थी कि हाइपोथैलेमस से स्टार्ट है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, यहाँ पे क्विक लिया गया सीरो स्पाइनल सेंटर ऑफ बर्ज में, फिर यहाँ से ये ऊपर चले गए यहाँ पे एपिक्स ऑफ द लंग्स, ठीक है, ये इससे थोड़ा सा ऊपर ऐसे शो किया, तो ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पे जा रहे हैं सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, दिस इज योर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है, और फिर यहाँ से ये पास होकर सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो पास होगा कहाँ से पास होगा, केवर्नस साइनस से, और केवर्नस साइनस में ये जो है ऑप्थाल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजीमियन नर्वस के साथ मिल गया, और फिर उसके एक ब्रांच नेजोसिलरी और नेजोसिलस, ये लॉन्ग नेजोसिलरी, ये लॉन्ग सिलरी नर्व के जरिए से ऑर्बिट में एंटर, आईबाल में एंटर होगा और जाकर डायलेटर को सप्लाई करेगा, डायलेटर मसल को, क्योंकि पीपल को डायलेट करेगा, एंड सम इनर्वेशन गो टू सिलरी बॉडी स्पेशली जो लॉन्गिट्यूडनल मसल ऑफ द सिलरी बॉडी है उनको भी सप्लाई करेगा, ठीक, देयर इज समथिंग अबाउट द सिम। तो आपको दोनों पाथवे याद हो गया और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डायरेक्ट रिस्पॉन्स क्या होते हैं, आपने इसी आई में लाइट को जो है वो फॉल किया हुआ है और इसी है में पीपल कंस्ट्रक्ट हो गया, दिस इज योर डायरेक्ट रिस्पॉन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टिमुलेटेड पीपल एंड यू कैन सी द डायरेक्ट रिफ्लेक्सेस, ओके। लेकिन इसके साथ साथ देखेंगे तो दूसरी आई जो है, फेलो आई जो है, उसमें भी कंस्ट्रक्शन शो हो रहे, कंट्रालेटरल पीपल जो है उसमें भी कंस्ट्रक्शन शो हो रहे, इट मीन कंसेंशुअल रिफ्लेक्स इज आल्सो प्रेजेंट, इज ओके, दिस इज द नॉर्मल फिनोमेना, ठीक है। देखिए अभी सब जितने भी चीजें हमने डिस्कस किए ये हमने डायरेक्ट और कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स की जिक्र किया, ठीक है। अच्छा अब नियर रिफ्लेक्स क्या बता रहे, नियर रिफ्लेक्स ये क्या बता रहे कि व्हाट इज असिस, इट असिस द मियोसिस कंपोनेंट ऑफ नियर रिफ्लेक्सेशन, the other being accommodation increase the lens thickness and curvature and convergence of the eye, especially near reflex kya hota hai ki jab bhi aap koi near target samne kar dete hain, jaise aap is picture mein dekhenge na ye patient dur dekh rahe hai to uski eye bhi straight hai aur pupil bhi dilate hai, lekin aapne koi bhi near target de diye ki idhar dekhe to aap zara eye ko dekhe, eye bhi converge ho chuki hai, inward aa chuki hai because ye fovea se image lene ki koshish kar rahi hai, foveal fixation le rahi hai, to ek convergence hoga। दूसरी बात पीपल की साइज देखे, इस यहाँ भी पीपल की साइज देखे, यहाँ पीपल साइज देखे, तो पीपल आल्सो स्मॉल मियोटिक पीपल, मियोसिस हो चुका है, सो नियर में एक कन्वर्जेंस भी हो रहा है, पीपल भी क्या हो रहे हैं स्मॉल हो रहे हैं, और साथ साथ में नियर के लिए आपको पता है कि एकोमोडेशन भी हो रहा है। सो इन तीन चीजों को हम कहते हैं नियर रिफ्लेक्स, नियर रिफ्लेक्स या नियर रिस्पॉन्स, या कहते हैं सिनकाइनेटिक नियर रिस्पॉन्स, सिनकाइनेटिक नियर रिस्पॉन्स के तीनों साथ, ये जो तीन ट्रायड है, तीन चीजें है, ये एट अ टाइम होनी चाहिए। हाँ कैसे आप परफॉर्म करेंगे आप, ठीक है, सिंपली नॉर्मली लाइट रूम जो है उसमें आप पेशेंट को इंस्ट्रक्ट दें कि वो जो डिस्टेंट टारगेट को देख रहा था अब वो क्विकली इस नियर ऑब्जेक्ट की तरफ जो है उसकी तरफ आप वो देखेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने टारगेट सामने करना है और क्विकली क्या देखना है, ऑब्जर्व द पुपिलरी रिफ्लेक्स व्हेन देयर फिक्सेशन शिफ्ट फ्रॉम डिस्टेंट टू नियर, जब वो डिस्टेंस से नियर शिफ्ट कर रहे हैं फिक्सेशन, आपने देखता है कि क्या उसमें आई में कन्वर्जेंस हो रही है, क्या वो उसकी पीपल के साइज में चेंज हो रहे हैं कि नहीं, अगर उसमें कंस्ट्रक्शन हो रही है कि नहीं हो रही, तो नॉर्मल रिस्पॉन्स वंस अगेन एट शुड बी ब्रेस्ट कंस्ट्रक्शन, दोनों पीपल एट अ टाइम जो है वो कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, एंड दिस इज योर नॉर्मल रिस्पॉन्स। तो सिंपल, ये भी आसान है।
इसके अलावा जो है एकोमोडेशन रिफ्लेक्स पाथवे, वो तो ये देखिए नियर रिफ्लेक्स में आपने क्या देखा, इसमें आपने ये चीज देखा है द मियोसिस कंपोनेंट ऑफ नियर रिस्पॉन्स, कि नियर रिस्पॉन्स में जो मियोसिस हो रहे हैं क्या वो ठीक है कि नहीं है, तो आपने देख ला कि यस वो ठीक है। फिर दूसरी बात, क्या एकोमोडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, तो एकोमोडेशन कैसा होगा, उसके लिए एकोमोडेटिव रिफ्लेक्स पाथवे हमें थोड़ा सा डिस्कस करना होगा कि एकोमोडेशन रिफ्लेक्स पाथवे क्या है। ये भी मैंने क्लास में आपको सारी डिटेल जो है डिटेल से आपको बताया गया है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट उसकी ओवरव्यू जो है वो बताऊँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि आपकी एपरेंट स्टिमुलस में कोई भी स्टिमुलस जो है, कोई भी मैसेज जो है वो आपकी रेटिना से जाएगा ऑप्टिक नर्व के जरिए से ऑप्टिक ट्रैक ऑप्टिक रेडिएशन और ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स तक पहुंच गया है, जो कि हमने डिटेल से डिस्कस किया था एंड रिफ्लेक्स एकोमोडेटिव रिफ्लेक्स पाथवे, कि एक ब्लर इमेज जो है वो इमेज वो जो बिहाइंड रेटिना बन चुका है, इसको हम ब्लर इमेज कहते हैं, वो मैसेज आपके ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स तक पहुंच चुका है। फिर वहां से वो क्या करता है, वो ब्लर इमेज ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स क्या करता है कि वहां से कुछ फाइबर देयर सम कनेक्शन जो कि फ्रंटल लोब और ऑक्सीपिटल के आपस में कनेक्शन, ठीक है, तो फिर वहां से फाइबर जो है पास होगा तो फ्रंटल लोब, और फिर फ्रंटल लोब से क्या करता है, फ्रंटल लोब से देयर सम कॉर्टिकोबल्बर फाइबर जो है वो मूव कर रहे टुवर्ड थर्ड न्यूक्लियस, टुवर्ड द थर्ड क्रैनियल न्यूक्लियस, जो कि वहां पे थर्ड क्रैनियल न्यूक्लियस में क्या मौजूद है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि थर्ड नर्व न्यूक्लियस जो है उसमें एक कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस है, इसमें सब न्यूक्लियर है, मीडियल रेक्टस के लिए अलग सब न्यूक्लियस है और इन्फीरियर रेक्टस के हर एक के लिए अलग अलग है। मैं ज्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा, अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल पे चले जाएंगे तो उसमें एक कॉडिल सेंट्रल न्यूक्लियस है जो कि दोनों आपकी लिवेटर को क्या करता है, सप्लाई कर देता है, राइट और लेफ्ट दोनों एलपीएस मसल जो है उसके लिए एक ही न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल, इसका नाम है सेंट्रल कॉडिल न्यूक्लियस। और एक इंटरेस्टिंग चीज, आपके राइट साइड पर जो टर्न नर्व है ना उसमें हर एक मसल के लिए अलग अलग न्यूक्लियस है, लाइक टर्नर कितने मसल को सप्लाई करता है, इन्फीरियर रेक्टस को सप्लाई करता है, मीडियल रेक्टस को, सुपीरियर रेक्टस को और इन्फीरियर ओब्लिक को, ये सारी चीजों को सप्लाई करता है, सिर्फ एक्सेप्ट लैटरल रेक्टस जो कि सेक्स नर्व सप्लाई करता है सुपीरियर ओब्लिक फोर्स, इसके अलावा जितने भी मसल है वो ऑल सप्लाई बाय द टर्नर, ठीक है। तो हर एक मसल के लिए अलग अलग न्यूक्लियाई है, तो अलग अलग न्यूक्लियाई में से याद रखें राइट साइड के जो सुपीरियर वो है रेक्टस की जो न्यूक्लियाई है वो दूसरे साइड के सुपीरियर रेक्टस को स्टिमुलेट करते हैं, समझ नहीं है ना। इधर देखिए, लेट सपोज ये टू आई है, दीज आर द टू आई राइट एंड लेफ्ट आई, कंसीडर करें बस मैंने शॉर्टकट ऐसे बनाए हैं, और ये जो है दिस इज योर मेड ब्रेन, दिस इज ये जो मैंने इधर बॉक्स पर है दिस इज योर मेड ब्रेन, एंड यू नो मेड ब्रेन हमने जिक्र किया था कि देयर इज सम सेरेब्रल एक्वाडक्ट, यू नो याद है ना क्लास में, देयर इज सम सेरेब्रल एक्वाडक्ट और फिर इसी सेरेब्रल एक्वाडक्ट के अराउंड देयर इज सम ग्रे मैटर आर प्रेजेंट, और इसी ग्रे मैटर में अगर हमने जिक्र किया तो ये एक राइट साइड पे हमने एक थर्ड नर्व न्यूक्लियस बनाया था और एक लेफ्ट साइड पे हमने थर्ड नर्व न्यूक्लियस बनाया था, ठीक है। अब ये जो एक न्यूक्लियस है थर्ड नर्व राइट साइड का, इसको अगर मैं यहाँ पे जूम करके बताऊंगा तो इसमें छोटे छोटे न्यूक्लियाई है, एक न्यूक्लियस जो है लेट्स सपोज मीडियल रेक्टस के लिए है, एक इन्फीरियर रेक्टस के लिए है, ठीक है, और एक जो है इन्फीरियर ओब्लिक के लिए भी है, और इसके अलावा एक जो है वो सुपीरियर रेक्टस के लिए भी है। अब इस साइड का जो ये न्यूक्लियस है जो कि सुपीरियर रेक्टस का है, राइट साइड का सुपीरियर रेक्टस का सब न्यूक्लियाई जो है यहाँ से जब फाइबर निकलते हैं ना, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ येलो से शो करूंगा, वो ऐसे जा रहे हैं दूसरी साइड में एंटर हो रहे हैं, और यहाँ पे इस आई के जो सुपीरियर रेक्टस है उसको ये सप्लाई करते हैं। इट मीन कि अगर आपके साथ कोई थर्ड नर्व न्यूक्लियस खराब हो गया, थर्ड नर्व न्यूक्लियस ऑन द राइट साइड में थर्ड नर्व न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स खराब हो गया तो क्या होगा, देखिए सेम साइड का मीडियल रेक्टस भी खराब होगा, ठीक है, मीडियल रेक्टस काम नहीं करेगा, इन्फीरियर रेक्टस काम नहीं करेगा, इन्फीरियर ओब्लिक भी काम नहीं करेगा, लेकिन इस आई में जो सुपीरियर रेक्टस है वो काम करेगा, बिकॉज इनका सप्लाई जो है वो दूसरी साइड पे जो ऑकुलोमोटर नर्व है वहां पे मौजूद है, वहां से उसकी फाइबर आ रही है, लेकिन याद रखे यहां से फिर जो फाइबर जाएगा ना यहाँ से, तो हम कहते हैं कि बस ये थर्ड नर्व, हम जिक्र करते हैं कि बस थर्ड नर्व सबको सप्लाई करते हैं, तो हम तो इस बात की बात करें कि ये थर्ड नर्व है तो इस थर्ड नर्व में सबके लिए फाइबर जाएगा, सेम साइड के लिए फाइबर जा रहे हैं ना, अगर इन फाइबर में मसला है, इन फाइबर में यहाँ पे न्यूक्लियस से बाहर अगर मसला है
तो इसमें तो एक ही आई इन्वॉल्व होगा, एक ही आई का सुपीरियर रेक्टस भी खराब होगा और मीडियल और सब कुछ खराब होगा। लेकिन न्यूक्लियस में मसला है राइट साइड में, तो उसके साथ दूसरी आई भी इफेक्ट होगा। वाई, ये सेंटर में ये चीज याद रखे। लेकिन जब हम टर्नर की बात करेंगे, फाइबर की बात, ये फाइबर की बात करें जो वेसिकुलर पार्ट है, इसमें तो एक ही आई के लिए फाइबर जा रहे हैं, लेकिन आप इस फाइबर को सुपीरियर रेक्टस की फाइबर को ट्रेस करेंगे, जाएंगे जाएंगे यार ये तो इस न्यूक्लियस से नहीं हो, तो दूसरे न्यूक्लियस। तो ये चीज आपने पहले से भी जरा नोट करनी है। बट एनी हो, मैं इसके डिटेल के तन्वी जगह, ये न्यूरो ऑथल्मोलॉजी के टॉपिक से बहुत इंटरेस्टिंग भी और डिटेल टॉपिक है जो मैं 7th सेमेस्टर वालों को पढ़ा रहा हूँ। और जब इंशाल्लाह आप चले जाएंगे तो फिर ये न्यूरो कनेक्शन, सेंट्रल न्यूरो कनेक्शन आप डिटेल से फिर पढ़ेंगे। दिस इज समथिंग बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सेमेस्टर भी है कि आप शायद इनको सारी चीज़ों को समझ नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं, अच्छा, मैंने कहने का मकसद ये था कि मैं ये चीज़ आपसे डिस्कस कर रहा था कि यहाँ पे जो पाथवे है वो पाथवे कैसे जा रहे हैं। ठीक है, सो वंस अगेन देखें, रिफ्लेक्स आ गया है रेटिना से, लेट्स सपोज दिस इज आई बाल। ठीक है, और यहाँ पे मैं जल्दी से अगर मैं ब्रांड ड्रा करूँ, ये सब चीज ठीक हो गया, यहाँ से आपका विजुअल सिग्नल जो है रेटिना से यहाँ आ गया ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में, दिस इज योर ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स। ठीक है, और शायद ये पाथवे आपको डिटेल से पता है, इतना सिंपल नहीं, लेकिन मैंने एक लाइन से सिंपल से शो किया गया है कि रेटिना से विजुअल मैसेज जो है वो ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स तक आ गया। ठीक है, फिर ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स से क्या हो रहे हैं जरा यहाँ पे देख ले, कंसंट्रेट करें कि ये ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स से मैसेज जो है वो यहाँ पे जा रहे हैं, दिस इज योर फ्रंटल लोब, इस फ्रंटल लोब में मैसेज है, इस फ्रंटल लोब को एक मैसेज दिया जाता है। क्यों, क्या मैसेज है यार, मैंने तो इमेज परसीव किया है, ले गया है, बट इमेज इज ब्लर, आपको हमें एकोमोडेशन की जरूरत, क्योंकि ऑक्सीपिटल लोब डायरेक्टली एकोमोडेशन को कंट्रोल नहीं करता। तो फिर क्या करते हैं ऑक्सीपिटल फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब से फाइबर जो है यहाँ से, देयर इज मिड ब्रेन, यहाँ पे अगर मैं मिड ब्रेन ड्रा करूंगा, लेट्स सपोज कोई दूसरा कलर, ग्रीन कलर से, लेट्स सपोज दिस इज योर, यहाँ पे आपकी मिड ब्रेन है। तो फिर ये जो फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब से फाइबर जा रहे, लेकिन इस फाइबर का क्या नाम है, कार्टिको बल्बर फाइबर है। तो यहाँ से कार्टिको बल्बर फाइबर जो है फ्रंटल लोब से स्टार्ट होकर यहाँ पे मिड ब्रेन तक आ रहे हैं, मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन में कौन सी पर्टिकुलर एरिया में, मिड ब्रेन में जो टर्नर नर्व न्यूक्लियस है वहां पे जा रहे, और टर्नर नर्व न्यूक्लियस में मजीद कहाँ पे जा रहे, उन न्यूक्लियस के लिए जा रहे जो कि मीडियल रेक्टस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको मैसेज दिया जाता है। और साथ साथ में जो आगे आपको पता है कि इसके साथ एडिंगर विस्पाल भी है, तो यहाँ से ये जो मैसेज आ गया ना मिड ब्रेन तक, ये मैसेज एक मैसेज कर रहा है टर्नर न्यूक्लियस, लेकिन टर्नर में वो न्यूक्लियस जो कि मीडियल रेक्टस की कंट्रेक्शन को क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो मीडियल रेक्टस को भी मैसेज मिल गया है, और मीडियल रेक्टस के साथ साथ ये दूसरा मैसेज जो है वो कहाँ पे दे रहे, दूसरा मैसेज एडिंगर विस्पाल को, एडिंगर कंस्ट्रिक्शन भी हो जाएगी और उस, यस दिस इज द थिंग, देखें। सो फिर ये क्या करेगा, एडिंगर विस्पाल स्टिमुलेट, तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल भी होगा, यस एकोमोडेशन भी एग्जर्ट होगा, और साथ साथ में कन्वर्जेंस भी होगा। सो दिस इज द थिंग कि आप ये सारे चीज एट अ टाइम क्यों हो रही है, कि बिकॉज देयर इज सम सेंट्रल कनेक्शन। तो आपको ये एकोमोडेटिव पाथवे जो है याद होनी चाहिए कि एकोमोडेशन रिफ्लेक्स पाथवे जो है ये कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल देखे कि एम्ब्रेन स्टिमुलस जो है वो ऑक्सीपिटल लोब तक चला गया, फिर फ्रॉम ऑक्सीपिटल लोब से जो है वो फ्रंटल लोब तक मैसेज चला गया है, और फ्रंटल लोब से कॉर्टिको बल्बर फाइबर जो है वो टर्न नर्व न्यूक्लियस, और टर्न में स्पेशली पार्टिकुलर मीडियल लेक्टस और एडिंगर रिस्पॉन्स को, ठीक है, जो कि एकोमोडेशन रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्स, दिस पाथवे इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वो सारी चीजें जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे ये सब कुछ प्रोसेस जो है वो चल रहे। ठीक है, कि ये ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स है, ठीक है, यहाँ पे वो मैसेज आ रहे हैं, और फिर वो मैसेज जो है वो आपके फ्रंटल लोब जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है वो इस यहाँ पे जो मीडियल लेक्टस है, मीडियल लेक्टस की न्यूक्लियस और एडिंगल स्पार्क को स्टिमुलेट करके वो वापस चला जाता है। ठीक है, तो पाथवे साथ साथ में पाथवे और नॉर्मल रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए। स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट जो कि बेसिकली आपकी करिकुलम के हिसाब से है, इसमें हम क्या करते हैं, स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसमें आप कंपेयर करते हैं डायरेक्ट इन कंसेंशुअल रिस्पॉन्स ऑफ ईच आई एज अपोज टू सीइंग वेदर दे आर और नॉट। इसमें अब बेसिकली कंसेंशुअल और डायरेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ दोनों आई का जो है उसको आप चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, नाम से पता है स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट,
आपने लाइट जो है राइट आई पे कॉल किया और फिर लाइट को आपने शिफ्ट करके लेफ्ट साइड पे जाना है लेफ्ट आई पे एंड वापस राइट पे एंड वाई दिस इज नॉट स्विंगिंग प्रेशर राइट आई पे लेफ्ट लाइट फॉल किया देन आपने लाइट जो है क्विकली शिफ्ट करना है ऐसे या थोड़ा सा ऐसे यानी थोड़ा सा रास्ते में 1-2 सेकंड लेना है यहाँ देन एंड क्विकली यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए लाइट फॉल क्विकली शिफ्ट अंदर अदर आई फिर वापस देखिए आपने लाइट यहाँ पे ऑन किया तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख रहे हो यहाँ पे कंसेंशुअल देख रहे हो फिर आपने लाइट यहाँ पे फॉल किया तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देख रहे हो यहाँ पे आप कंसेंशुअल देख रहे हो दोनों आई में आप एट अ टाइम कंपेरिजन कर रहे हैं डायरेक्ट और कंसेंशुअल दोनों रिस्पॉन्स ईच आई का एक दोनों आई का देखिए अगर आप एक आई की एग्जामिन करते हैं राइट आई पे आपने लाइट फॉल किया यहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रही यहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रही इसका तो आपने डायरेक्ट रिस्पॉन्स चेक किया और इसका आपने कंसेंशुअल चेक किया लेकिन इसका आपने कंसेंशुअल चेक नहीं किया उसका आपने डायरेक्ट नहीं लेकिन आपने यहाँ भी किया तो इसका डायरेक्ट इसका कंसेंशुअल तो इसलिए हम स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट करते हैं कि हम कंपेयर करें डायरेक्ट एंड कंसेंशुअल रिस्पॉन्स ऑफ ईच आई कैसे आप इसको परफॉर्म करेंगे अहम चीज बहुत अहम ये जो आरईपीडी की हम बात करेंगे ना लेटर अभी कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे आरईपीडी के लिए ये टेस्ट है स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट इस बार स्पेशली आरईपीडी जब क्लिनिक में हम स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट करते हैं तो उसके लिए लिख ले अपने साथ कि ये टेस्ट जो है बेसिकली हम आरईपीडी को डिटेक्ट करने के रिलेटिव एफरेंट पिपिलरी डिफेक्ट उसको देखने के लिए हम स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट जो कि इसके बाद आने वाली चीज है कि आरईपीडी है क्या और स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट में हम उसको कैसे एग्जामिन करेंगे ठीक है तो कैसे परफॉर्म करेंगे डेम रूम लाइट उसमें आप रखेंगे कंडीशन रखेंगे एग्जामिन एंड नोट द साइज ऑफ दोनों पीपल के साइज आपने नोट करना है कैसे करना है पेशेंट इज आस्क्ड टू वही डिस्टेंस आपने टारगेट देना है और एग्जामिनर क्या करता है कि वो बीम ऑफ लाइट जो है उसको बैक इन फोर्थ वन पीपल से दूसरे पीपल में वो क्या करता है स्विंग करता है और ऑब्जर्व करता है द साइज एंड रिएक्शन ऑफ द आई दैट इज लाइट और क्या करता है वो साइज को भी देखते हैं और रिएक्शन को भी देखते हैं द आई जिसको वो लाइट कॉल करते हैं इस आई में आपने लाइट डाल लिया तो उसका साइज और रिएक्शन आपने दे देखे साइज कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं रिएक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहा साइज क्या है ठीक है नॉर्मल रिस्पॉन्स आपको क्या होनी चाहिए ईच इल्यूमिनेटेड पीपल प्रॉम्प्टली बिकम कंस्ट्रक्टेड द अपोजिट पीपल आल्सो कंस्ट्रक्ट कंसेंशुअली वही जो नॉर्मल रिस्पॉन्स हमने पहले का जिक्र किया था कि जिस पीपल पे हम लाइट कॉल करते हैं वो पीपल क्विकली आपको कंस्ट्रक्ट होना चाहिए और साथ में दूसरा भी पीपल कंस्ट्रक्ट होना चाहिए यहाँ पे लाइट फॉल तो ये कंस्ट्रक्ट ये भी कंस्ट्रक्ट यहाँ पे आपने लाइट शिफ्ट किया तो यहाँ भी कंस्ट्रक्ट होना चाहिए ये भी कंस्ट्रक्ट होना चाहिए तो दोनों पीपल एट अ टाइम जो है उसकी कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है आपने ये सब कुछ कर लिया ठीक है देखे वेरी सिंपल प्रोसीजर अ बीम ऑफ लाइट फॉल इन टू आई एट अ टाइम बोथ पीपल कंस्ट्रक्ट देखे यहाँ पे शिफ्ट नंबर वन दोनों पीपल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं फिर आपने क्या करते हैं स्लोली स्विंग द लाइट बैक एंड फोर्थ बिटवीन द पेशेंट पीपल आपने फिर यहाँ पे चलेंगे थर्ड स्टेप में आप चलेंगे यहाँ पे तो वंस अगेन दोनों पीपल क्या हो गया कंस्ट्रक्ट हो गया सो हम एक इक्वेशन लिखता है अगर ये इस तरह है तो हम इसके लिए परल लिखते हैं परल PERLA जब भी आप वार्ड में चले जाएंगे किसी एग्जामिनेशन की तरफ चले जाए तो पीपल एग्जामिनेशन के सामने ये लिखा है परल PERLA ठीक है तो और साथ में ब्रैकेट में डी पर सील अब बी से परल का क्या मतलब है पी से मतलब है कि पीपल इक्वली राउंड एंड रिएक्टिव टू लाइट एंड एकोमोडेशन देखे पीपल इक्वल राउंड रिएक्टिव टू लाइट एंड एकोमोडेशन आपने पर्ल लिखा है तो इसका मतलब है कि आपके पीपल जो है वो इक्वल इन साइज है राउंड इन शेप है रिएक्टिव टू लाइट भी है और नियर टारगेट एकोमोडेशन के लिए भी देखे तो एक वर्ड में सारी कहानी को उसने बंद किया हुआ है ठीक है और डी मीन डायरेक्ट पीपल कंस्ट्रक्शन टू डायरेक्ट लाइट और कंसेंशुअल पीपल रिस्पॉन्स इन ऑपोजिट पीपल डी प्लस इसका मतलब है कि उसमें डायरेक्ट में भी ये होता और कंसेंशुअल में भी हो रहा था ठीक है सो बस आप किसी भी वार्ड में चले जाए पीपल लिखे है पीपल के सामने अगर किसी ने ये परला लिखा है PL कुछ लोग RRTCL कहते हैं कि राउंड रिएक्टिव टू लाइट एंड एकोमोडेशन RRTA कि राउंड रिएक्टिव टू लाइट एंड एकोमोडेशन बट दिस वर्ड इज बेटर परला इज बेटर बिकॉज इसमें पीपल जो है वो इक्वल है राउंड है रिएक्टिव टू लाइट भी है और एकोमोडेशन भी है सो दिस इज द नॉर्मल एग्जामिनेशन नॉर्मल फाइंडिंग आपने स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट में ये सब चीजें लिखना है ठीक हो गया अच्छा ये तो अभी रिस्पॉन्स सब कुछ चल रहे हैं इसके बाद लेट सपोज आप मुझे इसके बारे में बताएं कि ये जो इंफॉर्मेशन हम कर रहे हैं लाइट रिफ्लेक्स की ये वाला ये आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इंटीग्रिटी ऑफ द पीपल पाथवे सो इट मीन कि जिस आई पे आप लाइट फॉल कर रहे हो उस आई से कौन सा नर्व आपका सिग्नल मेड ब्रेन तक कैरी करेगा ऑप्टिक नर्व
ठीक है। सो ऑप्टिक नर्व जो है, और फिर मैसेज वापस कौन कैरी करता है, एक मसल की तरफ, की मसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाए, कुलोमोटर टर्न नर्व। सो आपने यहाँ पे लाइट फॉल किया, ये पीपल कंस्ट्रक्ट हो गए, तो उसने आपने दो बातों का श्योरिटी दिया कि इस आई का ऑप्टिक नर्व ठीक है। कैसे आपको पता चल गया? बिकॉज पीपल कंस्ट्रक्ट। अगर ऑप्टिक नर्व खराब था तो मिड ब्रेन तक मैसेज कौन कैरी करता? नोबडी। सो ये आपको ये गारंटी दे रहा है कि इसका ऑप्टिक नर्व भी ठीक है और उसका टर्न नर्व भी ठीक है, बिकॉज उसने वापस मैसेज भी आई की तरफ आया, पीपल कंस्ट्रक्ट हो गया। ओ गॉड। सो डायरेक्ट रिफ्लेक्स टेस्ट, ऑप्टिक नर्व और टर्न नर्व की गारंटी उसने दे दिया। यहां पे ये भी कंस्ट्रक्ट हो गया, कंसेंशुअल रिफ्लेक्स भी हो गया। तो उसके साथ साथ हम क्विकली ये भी बता रहे हैं कि दूसरी आई का ऑकुलोमोटर नर्व, थर्ड नर्व भी ठीक है, बिकॉज वो भी कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन के लिए मैसेज मिड ब्रेन से कौन कैरी करता है? थर्ड नर्व। तो वो भी फाइन, ओके। लेकिन इसका ऑप्टिक नर्व हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तब तक हम उसमें डायरेक्ट चेक नहीं करेंगे। तो कंसेंशुअल रिफ्लेक्स अगर है तो ये आपको ये गारंटी दे रहे हैं कि ऑकुलोमोटर नर्व ठीक है, लेकिन ऑप्टिक नर्व के बारे में कोई नहीं बताएगा। ऑप्टिक नर्व के लिए आपको डायरेक्ट रिफ्लेक्स टेस्ट करना। सो डायरेक्ट पर क्या करते हैं, लाइट आपने इधर फॉल किया, यहाँ पे लेफ्ट आई पे आपने लाइट को फॉल किया और इसमें कंस्ट्रक्शन शो हो गया और इसमें भी, तो नाउ इट्स क्लियर कि इसका ऑप्टिक नर्व भी ठीक है और थर्ड नर्व और दूसरे का थर्ड नर्व ऑलरेडी ठीक है, तो ये गारंटी आपको तब देगा। सो इट मीन कि जस्ट सिंगल लाइट रिफ्लेक्स टेस्ट से आपके ऑप्टिक नर्व और थर्ड नर्व का बहुत आसानी से पता चलता है कि और वर्किंग कंडीशन हॉट कंडीशन, ठीक है। ये कहानी हम यूज करेंगे लेटर ऑन। अब मुझे ये बताएं, लेट्स सपोज मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं पहले भी दो तीन दफा आपसे पहले भी शेयर कर सकता हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। मुझे ये आंसर दे दे, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ सबसे, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपने राइट आई पे लाइट को फॉल किया, राइट आई एग्जांपल अपने पास लिखते जा रहे, राइट आई आपका टारगेट है, इस पे आपने लाइट को फॉल किया, लेकिन आपको लेफ्ट आई में रिस्पॉन्स मिल गया, कंस्ट्रक्शन पीपल का रिस्पॉन्स मिल गया, लेकिन राइट आई में आपको कोई कंस्ट्रक्शन नहीं मिल गया, वेयर इज द प्रॉब्लम? राइट ऑक्लूमोटर नर्व। यस, कैसे आपने कहा कि राइट ऑक्लूमोटर नर्व? सर उसमें ऑप्टिक नर्व के थ्रू सर वो तो मैसेज गया, लेकिन वापस सर उसी आई में डायरेक्ट रिस्पांस नहीं आया सर। एक्जेक्टली, देखिए और यहां पे जो कंसेंशुअल रिफ्लेक्स हो गया है, तो कंसेंशुअल रिफ्लेक्स तो कोई और तरीका नहीं इसमें कि इसका ऑप्टिक नर्व काम कर रहे, उसने मैसेज जो है सेंड किया हुआ है मिड ब्रेन तक, लेकिन वापस जो मैसेज आ रहे वो पाथवे ठीक नहीं है, तो वो थर्ड नर्व में आपको क्या होगा कि थर्ड नर्व में आपको सेम आई में डायरेक्ट रिफ्लेक्स भी नहीं मिलेगा,